देखते हैं तो कर्म कारक के बारे में, किसके बारे में, कर्ता कारक देख लिए, कर्म कारक। यहां नाम है क्या, कारक का नाम ही है कर्म, यानी तुम जो करता है ना वो सब क्या है, कर्म है। कर्ता जिस कार्य को करे उसी को क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं तो खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। मैं किताब पढ़ता हूं तो पढ़ क्या रहा हूं, किताब, तो किताब हो जाएगा कर्म। तुम लोग गेंद खेलते हो, खेल क्या रहे हो, गेंद, तो गेंद क्या हो जाएगा, कर्म। यानी तुम जो भी कर रहा है, तुम मतलब कर्ता, कर्ता जो भी कर रहा वो सब क्या है, तो कर्म है, क्या है, कर्म। और कर्म कारक के साथ कौन विभक्ति लगता है, द्वितीया, कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को, यानी कर्ता कर्म को, कर्म को चिन्ह क्या होता, कर्म को, तो ये ध्यान रखना। तो हम इसमें भी देखेंगे क्या, तद्रूप पहले पुल्लिंग देखते हैं, क्या देखते हैं, तद्रूप पुल्लिंग। तो एक वचन में प्रथमा विभक्ति में था सह तो ते, द्वितीय विभक्ति में होता तम तो, तम तो तान, तम तो, ये किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए है। तद्रूप क्या है, तो ये पुल्लिंग है। तम मतलब होता है क्या, उसको, तम मतलब, तो मतलब उन दोनों को, तो मतलब उन दोनों को, तान मतलब उन लोगों को, उन लोगों को, कोई दिक्कत। ये हो गया क्या आपका पुल्लिंग के लिए। औकारान जो होता है, औकारान पुल्लिंग रूप वो होता है क्या, तो अम ओ आन, अम ओ आन, ये किसके साथ लगेगा, तो संज्ञा के साथ, इसका प्रयोग कहाँ होगा, संज्ञा। तो ये दोनों क्या क्या पुल्लिंग रूप है, ये औकारान पुल्लिंग है और ये तद्रूप क्या है, तो पुल्लिंग है। अभी स्त्रीलिंग का देख लेते हैं, किसका, स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग अगर जब दोनों हम बता देंगे तो नपुंसक लिंग अपने आप बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग का ताम, या पुल्लिंग में है तम, यहाँ क्या है ताम, ताम ते ता, ताम ते ता, ताम मतलब भी होता है क्या, उसको, ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ ते मतलब भी क्या होता है, उन दोनों को, उन दोनों, हिंदी क्या होगा, तो उन दोनों को। और तह मतलब होता है उन लोगों को, उन लोगों को, उन लोगों का, कोई दिक्कत। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, अकारांत रूप, तो यहाँ हो जाएगा आम ए आ, आम ए आ, इसका प्रयोग किसके साथ होगा, तो संज्ञा के साथ होगा, संज्ञा के साथ। अगर यहीं पे हम क्या दे दें, नपुंसक लिंग, तो हो जाएगा अम ए आनी, प्रथमा भी है अम ए आनी, द्वितीया भी है अम ए आनी। इससे पहले हमने शब्दरूप के बारे में बता दिया है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एक बार जाकर देख लीजिएगा। लकार भी पढ़ा दिया और कारक का पूरा एकदम खखोर का डिफिनेशन बताया है, अगर कारक में आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक। तो आप देखते हैं इस पर क्या, तो हम अनुवाद क्या देखेंगे, अनुवाद हम बताए हैं कि जब भी कर्म कारक का प्रयोग करेंगे, प्रेरक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताए हैं। प्रेरक क्रिया मतलब जो हम खुद करते हैं, जो भी काम इंसान खुद करता है, तो उसमें जो क्रिया सहायक होता वो होता है प्रेरक क्रिया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, राम दौड़ता है, सीता खेलती है, तो सीता खुद खेल रही है, राम दौड़ता तो राम खुद दौड़ रहा है, तो दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, ये सब प्रेरक क्रिया है। लेकिन जो काम करता न करके किसी और से करवाता है उसको न प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जो तुम नहीं कर रहा किसी और से करवा रहा उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खिलाना, दौड़ाना, पढ़ाना, हंसाना, खिलवाना, लिखवाना, तुमको लिखवाना, तुमको लिखना था लेकिन लिखवा रहा किसी और से, तो वो जो लिखवाना शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्म कारक में ना यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, प्रेरणा। और प्रेरणार्थक क्रिया के साथ तुम बता दिया कि नीच प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो देखते हैं। जैसे माता बच्चों को, बच्चों को खाना खिलाती है, खिलाती है, क्या बच्चा खुद से खा रहा है, खाना तो बच्चा को चाहिए लेकिन खिला कौन रही है, मम्मी जी। तो ये जो है ना खिलाती है, यानी खिलाना शब्द हो जाएगा प्रेरणार्थक। अगर खुद से खाता तो प्रेरक, लेकिन कोई और खिला रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। तो माता का हो जाएगा जननी,
क्या हो जाएगा? जन। अच्छा बच्चों को, तो बच्चों को क्या करें, ये बच्चों को का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बच्चों को खाना खिलाती है, तो बच्चों को देखो यहाँ क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ बच्चों को तो बहुत सारा बच्चा हो गया, ठीक है ना, तो बच्चा का होता बाल्य, क्या होता है बाल, बाल्य मतलब बच्चा, बाल नहीं, ई बाल नहीं, बा का लयो समझो, बाल, या नहीं तो शिशु भी होता है, तो हम बाल्य लेकर चलते हैं, तो बाल्य मतलब क्या, बच्चा, एक वचन में रहता तो बाल्यम, दो वचन में रहता तो बाल्यो, बहुवचन में क्योंकि बच्चों को तो बहुत सारा है तो हो जाएगा क्या, बाल्यान, क्या हो जाएगा, बाल। हम बता दिए हैं कि ये जो है ना तद्रूप अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये ना संज्ञा के साथ लगता है, तो बच्चा क्या है, संज्ञा है, तो इसीलिए जननी बाल्यान, ठीक ना। खाना क्या है, ये भी कर्म कारक है क्योंकि खिला क्या, खाना खिला क्या रही है, खाना, तो ये यहाँ हो जाएगा क्या, भोजनम, क्या हो जाएगा, भोजनम, क्योंकि ये एक वचन में आएगा, एक वचन में क्या लगता है, तो हो जाएगा जननी बाल्यान भोजनम, खिलाना का होता है क्या, खाद, और नीच प्रत्यय जोड़ेंगे ना, खाद्यति होगा, क्या हो जाएगा, खाद्यति, तो हो गया आपका क्या, खाद्यति, यानी जननी बाल्यान भोजनम खाद्यति, माता बच्चों को खाना खिलाती है, जैसे मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूं, संस्कृत पढ़ाता हूं, किसको संस्कृत पढ़ाता हूं, राम को, तो मैं तो करता है, मैं का हो जाएगा अहम, राम को कर्म है, कर्म को आ गया, तो राम को, तो रामम हो जाएगा क्योंकि राम में अम लगेगा क्योंकि संज्ञा है राम, संस्कृत का भी हो जाएगा संस्कृतम या संस्कृत, दोनों दे सकता है, या तो विसर्ग लगा दो या नहीं तो क्या लगा दो, अम, तो हो जाएगा आपका क्या, संस्कृतम, तो अहम रामम संस्कृतम, पढ़ाना का क्या होता है, पाठ, देखो अगर हम नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो पाठ, पठ जोर नीच से होता है पाठ्यति, पठ जोर नीच से क्या होता है, पाठ्यति, लेकिन यहां क्या करेगा कि कर्ता के अनुसार ये क्रिया अपना रूप चेंज करेगा, अगर स रहता, स एक वचन का कोई भी चीज रहता तो उसके साथ लगता पाठ्यति, लेकिन यहां क्या, अहम, और अहम के साथ लगता आमी, यानी ये हो जाएगा पाठ यामी, क्या हो जाएगा, पाठ यामी, क्या किसी को दिक्कत, तो यहां राम को ये कर्म हो गया, राम को इसके साथ क्या लगा, को लगा, तो ये भी कर्म, और संस्कृत भी क्या है, कर्म है, तो मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूं, तो यहां हो जाएगा रामम, यानी अहम रामम संस्कृतम पाठयामि, ठीक ना। अगला जैसे देखो, मैं फल को खाता हूं, मैं फल को खाता हूं, तो मैं का संस्कृत अहम, मैं का संस्कृत अहम, फल को, फल क्या है, नपुंसक लिंग है, जब नपुंसक लिंग पढ़ा रहे थे तो अकारान नपुंसक लिंग पढ़ाए थे, अम ए आनी, अम ए आनी। एक वचन में भी था अम ए आनी, दो वचन में भी था अम ए आनी, यानी फल के साथ यहाँ अम लगेगा तो हो जाएगा फलम, क्योंकि कर्म को, यानी फल क्या हो गया, जिसके साथ को चिन्ह लगा वो कर्म है, क्या है, कर्म है, तो हम वैसे भी हम क्या खा रहे हैं, तो कर्ता जिस काम को करता वही क्या है, कर, तो कर्ता क्या कर रहा है, फल को खा रहा है, तो फल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो अहम फलम, खाना का क्या होता है, खाद, तो कर मैं फल को खाता हूं, मैं खुद खा रहा हूं, तो यहां प्रेरणार्थक होगा कि प्रेरक होगा, प्रेरक, मैं खुद ना खा रहा हूं, खाना तो मेरा काम है ना, तो हम खुद खा रहे हैं तो प्रेरक हो जाएगा, यानी अहम के साथ केवल आमी लग जाएगा, खदामी। अब समझ में आ गया प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होता, प्रेरक क्रिया कहाँ होता, प्रेरणार्थक यानी किसी और से करवाता है तो प्रेरणार्थक, यदि अपना काम खुद करता है तो प्रेरक, जैसे कि मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूं, तो संस्कृत कौन पढ़ा रहा था, मैं, यानी राम खुद से नहीं पढ़ रहा था, हम पढ़ा रहे थे, तो ये जो हो जाएगा पढ़ाना, यानी पढ़ाता, पढ़ाना से बना पढ़ाता, ये क्या हो जाता, तो प्रेरणार्थक, क्या हो गया, प्रेरणार्थक। अगला और देखिए, सीता उसको सिनेमा दिखाती है, सिनेमा दिखाती
है, सीता उसको सिनेमा दिखाती है, तो सीता इसका क्या हो जाएगा, सीता ही हो जाएगा। विसर्ग लगता है सीता में नहीं, उसको, उसको का संस्कृत क्या होता है, तम या नहीं तो ताम, क्योंकि पते न चल रहा है कि किसको दिखा रहा है, लड़का को दिखा रहा है कि लड़की को दिखा रहा है, पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है कि दिखा कौन रही है स्त्रीलिंग कौन सीता, लेकिन देखने वाला कौन है ये पता नहीं है। तो आप यहां तम भी लगा सकते हैं या नहीं तो ताम भी, क्या गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो सीता तम या ताम, तो हम क्या दे देते हैं, तम, सीता तम, सिनेमा का हो जाएगा क्या, चलचित्रम, क्योंकि यहां भी द्वितीय विभक्ति लगेगा, कौन सा विभक्ति, चलचित्रम या चलचित्र, विसर्ग भी लगा सकता है या मोहलंद भी लगा सकता है। दिखाती है, क्या दिखाना प्रेरक है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थ, क्योंकि जो भी देखने वाला वो खुद से नहीं देख रहा, दिखा कौन रही है, सीता, जब अपना काम खुद न करके किसी और से करवाता है तो उसको क्या, उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो दिखाना का होता है दृश्य, निज प्रत्यय जोड़ता है तो हो जाता है दर्शयति, और सीता के साथ दर्शयति ही लगेगा, तो सीता तम चलचित्रम दर्शयति, यानी सीता उसको सिनेमा दिखाती है, क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो आगे और देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कारक को अगर अच्छा से आप समझ लिए, क्योंकि जो लकार पढ़ाए थे, लकार तो बच्चा सबका खिलौना हो गया, बच्चा सबका क्या हुआ, खिलौना, ज्यादातर जो अनुवाद पूछता है कारक से पूछता है, किसे पूछता है, कारक से। तो आगे और हम देते हैं, तुम लोग उन लोगों को संस्कृत पढ़ाते हो, तुम लोग उन लोगों को क्या पढ़ाते हो, संस्कृत पढ़ाते, तो तुम लोग यहां क्या करता है, तो तुम लोग का संस्कृत यूयम नहीं रे, तुम लोगों का ही संस्कृत क्या हो जाएगा, उन लोगों को, कौन कारक, कर्म कारक, उन लोगों का क्या हो जाएगा, तान। अच्छा ये पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, नहीं है, तो तान भी लगा सकते हैं या ताह भी लगा सकते हैं, तो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या लगा रहा है, तो यूयम यहां हम दे देते हैं क्या, तान, या नहीं तो ता भी देगा, क्या गलत होगा, नहीं होगा। संस्कृत का संस्कृतम। अच्छा जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं उसका तो खुद का काम था पढ़ना, लेकिन पढ़ा कौन रहे हैं, जो भी है तुम लोग पढ़ा रहा है ना, हम कहा है तुम लोग है, तो इसके साथ अब बताओ पढ़ाते हो, ये प्रेरणार्थक होगा कि प्रेरक होगा, प्रेरणार्थक। तो पढ़ाना का होता है क्या, पठ, जब नीच प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाठयति होता है, और यूयम के साथ लगता है थ, हो जाएगा पाठयत, पाठयत क्या हो जाएगा, पाठयत। तो यूयम तान संस्कृतम पाठयत, यानी तुम लोग उन लोगों को संस्कृत पढ़ाते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ गया रे, चलो इसको उतारो। तो ये आपका क्या है, तो कर्म कारक, और अनुवाद दे क्या, और देते हैं, हम लोग वे दोनों को बाजार, क्या रे, बाजार घुमाते हैं, क्या करते हैं, बाजार घुमाते हैं। यहां देखो, हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे भी हो जाएगा, ठीक ना, तो हम यहां थे कर देते हैं, हमेशा क्या लट लकार अच्छा नहीं लगेगा, थे कर देते हैं, तो हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे, तो हम लोग मतलब क्या, वयम, इसका संस्कृत वयम। अब वे दोनों को बाजार घुमाते थे, वे दोनों कौन है पते न चल रहा, लड़का है कि लड़की है, हम लोग घुमा रहे हैं तो पक्का लड़की होगा, समझ आ गया नहीं, तो वे दोनों का हम क्या कर देते हैं, वे दोनों का ते हो जाएगा, वे दोनों या तू, उन दोनों को या वे दोनों को, एक ही बात हुआ, ठीक ना, तो ते मतलब क्या, वे दोनों, ते मतलब क्या, वे दोनों, उन दोनों को या वे दोनों को, एक ही मतलब हुआ, समझ में आ गया, तो ते मतलब क्या, वे दोनों, बाजार का हो जाएगा क्या, हट्टम, बाजार का क्या हो जाएगा, हट्टम, घुमाते हैं, घुमाना का होता भ्रम, घुमाते घुमाना क्या होता, भ्रम, लेकिन नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो भ्रम यति क्या हो जाएगा, भ्रम यति, और वयम के साथ क्या लगता है, आम हो जाएगा, भ्रम याम, लेकिन क्या है, कौन लकार है, नहीं। लंग लकार है, कौन लकार है, तो क्रिया से पहले ओ लगाकर लिख देना, ओ भ्रम
भ्रमयाम, अभ्रमयाम यानी क्रिया से पहले क्या लग जाएगा तो अ लग जाएगा। भ्रम यति अगर लंग लकार रहता तो क्या होता, नहीं भ्रमयाम, हाँ सही है अभ्रमयाम, यानी हो जाएगा आपका क्या, हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे, वयम ते हट्टम अभ्रमयाम। वयम के साथ क्या लगता है, अत तम अन अतम अत आम आव आम आम लगता है, विसर्ग नहीं लगेगा तो हो जाएगा अभ्रमयाम, यानी हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे। क्या किसी को दिक्कत, समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग को भी यहाँ समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया, पहले इसको उतारिए उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा कारक, करण कारक, कर्म कारक का ये अनुवाद है, इसी तरह से पूछता है, जितने भी प्रीवियस अनुवाद पूछा गया है उसको एक जगह कॉपी में इकट्ठा कर लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ये कर्म कारक का है, तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है, को होता है, और जिसके साथ को लगा रहता है वही क्या होता है, तो कर्म कारक होता है। तो इसको उतारिए, हम लोग आते हैं कौन कारक पे, तो करण कारक पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं करण कारक के बारे में। करण कारक मतलब होता है साधन, कौन सा कारक, करण कारक, करण कारक। तुमने तुम लोग ये मत सोचना कि हमारे मोसा का नाम करण है, करण कारक को बोलते हैं। इसके साथ लगता है कौन सा विभक्ति, तृतीया, तृतीया, तृतीया विभक्ति, ठीक। चिन्ह क्या होता है, से, करण से, और से मतलब यहाँ क्या, साधन। एक अपादान कारक में भी से आता है वहां जुदाई, और यहाँ क्या, साधन या द्वारा, ठीक ना। करण कारक के साथ कौन सा विभक्ति लगता है, कर्ता जिसके माध्यम से किसी कार्य को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे हम कार्य कर रहे हैं पढ़ाने का, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, मार्कर के द्वारा, तो ये बोर्ड और मार्कर क्या हो जाएगा रे, ठीक ना। हम अपने जिंदगी में जो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, सब क्या है, जैसे किताब साधन है, कलम क्या है, साधन है, साइकिल क्या है, साधन, आने जाने के लिए हम जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं सब क्या है, तो साधन है, क्या है, साधन। तो करण कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति, और से चिन्ह क्या होता, से मतलब क्या, साधन। तो इसमें हम पढ़ाए थे तद्रूप पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या पढ़ाए थे, तद्रूप पुल्लिंग था क्या, तेन, तेन ताभ्याम, तेन ताभ्याम, ते, तेन ताभ्याम, ते, तेन मतलब क्या, उससे, हिंदी क्या हो जाएगा, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, उन दोनों से, इसको मिटा देते हैं आगे के देखेंगे, उन दोनों से, और तेह मतलब होता है उन लोगों, उन लोगों से, उन लोगों से, ठीक ना। आकारांत में क्या आ जाता है, तो यहां आ जाएगा एन अभ्याम, एन अभ्याम, ए क्या हो जाएगा, ए। ये किसके साथ प्रयोग होगा, तो संज्ञा के साथ, किसके साथ, संज्ञा। स्त्रीलिंग के लिए आता है क्या, स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा आपका तया, तया ताभ्याम, तया ताभ्याम, ताभी, तया ताभ्याम, ताभी, तया मतलब भी हो जाएगा उससे, जो ऊपर में सेम नीचे, ताभ्याम मतलब भी हो जाएगा उन दोनों से, और ताभी मतलब भी हो जाएगा उन लोगों से या उन चीजों से, बहुत सारा बहुवचन में आ जाएगा, तो ये तया है। और स्त्रीलिंग के लिए जो आता संज्ञा का रूप यानी अकारांत जो आता है वो क्या आता है, तो आया अभ्याम, आया अभ्याम, अभी, आया अभ्याम, अभी। नपुंसक लिंग का भी ऐसे कुछ होता है, नपुंसक लिंग का सेम जो पुल्लिंग का रूप होता है वही क्या होता है, तृतीय विभक्ति से ना, तो यहां तेन ताभ्याम ते, ये पुल्लिंग के लिए भी और नपुंसक लिंग के लिए भी है। संज्ञा में भी हो जाएगा एन अभ्याम ए, ये ना सोचना कि पुल्लिंग मतलब नपुंसक लिंग, समझ में आ गया, केवल यहां है तो जैसे में हो जाएगा। जैसे हम बता दिए कि करण कारक का मतलब क्या होता, साधन, करण कारक का मतलब क्या, साधन। जैसे मैं बस से जाता हूं, मैं बस से जाता हूं, जाता हूं, मैं बस से जाता हूं, तो मैं का हो जाएगा अहम,
साधन क्या है रे? बस। साधन का हो ये बस। तो बस मतलब वाहन। तो यहाँ वाहन में क्या लगेगा? बस क्या संज्ञा है कि क्या क्रिया है? बस संज्ञा। और संज्ञा के साथ हमेशा क्या लगता है? एन। तो हो जाएगा वाहनेन। क्या हो जाएगा? वाहनेन। वाहनेन। जाना का होता है क्या? गज। जाना का गज। तो अहम के साथ लग जाएगा आमी। हो जाएगा क्या? गच्छामी। मैं बस से जाता हूं। तुम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हो। तुम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हो। स्कॉर्पियो भी जाता है रे? जाता होगा कोई ना। तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूएम। तुम लोग का क्या हो जाएगा? यूएम। पढ़ने के लिए लगा, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो तुम्हें पढ़ते लगेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? पठी तुम। क्या हो जाएगा? पठी तुम। क्रिया के साथ के लिए लगा रहे तो क्या संप्रदान कारक होगा? नहीं होगा। क्या होगा? तो तुमुन पढ़ते लगेगा, क्योंकि क्रिया के साथ लगा। तो यूएम पठी तुम साइकिल से। तो जा किससे रहा है? तो साइकिल का हो साधन। का हुई साधन। और साइकिल का जो संस्कृत होता है ना, साइकिल में क्या को चक्का? दो गो। तो एक चक्का रहता तो एक चक्र वाहन, अगर दो रहता तो द्विचक्र वाहन। तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा द्विचक्र वाहन। द्विचक्र वाहन, ये तो संस्कृत हो गया द्विचक्र वाहन। लेकिन इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि द्विचक्र वाहन संज्ञा है, एगो साइकिल है। तो यहाँ हो जाएगा द्विचक्र वाहन एन। यहाँ समझो, द्विचक्र एन लगा तो संस्कृत तो होता है द्विचक्र वाहन, लेकिन इसके साथ तृतीय विभक्ति जब जुटेगा तो हो जाएगा द्विचक्र वाहन एन। जाना का होता है गज, और कह रहा कि तुम लोग जाते हो, तो गज के साथ क्या लगेगा? लंग लकार का है, लट लकार का है, तो गच्छत। यानी यूयम पठी तुम द्विचक्र वाहनेन गच्छत। तुम लोग पढ़ने के लिए द्वि साइकिल से जाते हो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? जैसे अगला अनुवाद देखिए, हम लोग रथ से जाते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए किसे जाते हैं? रथ से जाते हैं। हम लोग किसे जाते हैं? रथ से। तो हम लोग का हो जाएगा वयम। हम लोग का संस्कृत वयम, रथ का संस्कृत रथ ही होगा, ठीक ना। तो रथ में कौन सी विभक्ति? एन। क्या हो जाएगा? एन। हो जाएगा क्या? रथेन। तृतीय विभक्ति लगेगा तो रथेन। वयम रथेन जाते हैं। तो जाना का होता है गज। जाना का क्या? गज। और वयम के साथ हो जाएगा आम। हो जाएगा क्या? गच्छाम। वयम रथेन गच्छाम, हम लोग रथ से जाते। समझ में आ गया? कहाँ जाता है? मरने के लिए। कहाँ जाता है? समझ आ गया? इसको मिटा दे हम, ये अनुवाद को आप लोग इस अनुवाद को ना उतारते रहिए, हम बताते जा रहे हैं उतारते चले, ताकि बाद में आपको एग्जाम्पल के तौर पर अनुवाद रहेगा तो समझने में दिक्कत ना होगा। तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो, ठीक ना। तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो। तो तुम लोग का संस्कृत यूयम का होई। हवाई जहाज का वायुयान। क्या होता है? वायुयान। और वायुयान में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो वायुयानेन। क्या हो जाएगा? वायुयानेन। यूयम वायुयानेन। नई दिल्ली का होता है नवी दिल्ली। नवी दिल्ली। जाना का क्या होता है? गज। और यूयम के साथ लगता है थ। यूएम के साथ क्या लगता है? तो यूएम वायुयाने नवी दिल्ली गच्छत। तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो। मैं खाली तुम ही लोग जाएगा। मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ। मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ। तो मैं का संस्कृत अहम। ट्रेन का हो जाएगा रेल यान। क्या हो जाएगा? रेल यान। तो यहाँ रेल यानेन। रेल
यानेन, रेल यानेन। पटना का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। जाना का क्या? गच। और अहम के साथ लगता है आमी, हो जाएगा क्या? गच्छामि। तो अहम रेल यानेन पाटलिपुत्रम गच्छामि। ये तो अनर्थ हो गया। तू लोग जा रहा हवाई जहाज से, हम जा रहे हैं ट्रेन, वो भी तू लोग जा रहा दिल्ली, हम पटना। समझ में, पैसा का भाव है। तो यहाँ हो जाएगा मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ, तो अहम रेल याने पाटलिपुत्रम गच्छामि। क्या किसी को दिक्कत? तृतीय विभक्ति समझ में आ गया। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है किसके साथ? तो करण कारक, यानी जिसके, तृतीय विभक्ति किसको कहते हैं? तो जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं कहीं जाने के लिए, अपने जिंदगी में जो भी चीज का हम प्रयोग करते हैं वो सब क्या है? साधन है। एक तरह का मेरा सड भी क्या है? साधन है। क्या हाथ भी क्या है? साधन है। पांव भी क्या है? साधन है। क्या रे? हाथ साधन है? मोरिंग ढिसुम ढिसुम साधन है, बिल्कुल है साधन है, ठीक ना? ये भी साधन है, ये क्या है? साधन है। तो हर एक चीज क्या है? साधन। तो साधन मतलब करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। समझ में आ गया? पुल्लिंग रूप बता दिए, स्त्रीलिंग रूप बता दिए, इस तरह से अनुवाद बन जाएगा, ठीक ना? जब हम अस्मद और युष्मद रूप पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल से बताएंगे। खैर, ये अभी आपका जो ना कारक का ये समझ लीजिए कि एक तरह का आपको डेमो दे रहे हैं। इसको हम बारीकी से डिटेल से और पढ़ाएंगे, बस शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए, आप पहले इसको उतार लीजिए। कौन सा कारक है? तो ये करण कारक। हम अगला कारक देखते हैं। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक के बारे में। किसके बारे में? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कारक संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? को के लिए, को के लिए। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तद्रूप क्या? पुल्लिंग। तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप स्त्रीलिंग। तो तद्रूप पुल्लिंग में आता है, ये पुल्लिंग के लिए है। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। क्या आता है? तो आता है तस्मे। क्या आता है? तस्मे। तस्मे ताभ्याम, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मे ताभ्याम तेभ्य। तस्मे मतलब होता उसके लिए, उसके लिए। ताभ्याम मतलब होता उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए। अतेभ्य मतलब होता है उन लोगों के लिए। किसके लिए? उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। अगर हम इसका औकारांत पुल्लिंग देखें जो कि संज्ञा के साथ लगता है, हो जाएगा क्या? आय, आय। आभ्याम, आभ्याम एभ्य। आय अभ्याम एभ्य। ये किसके साथ लगता है? तो संज्ञा के साथ। ये औकारांत पुल्लिंग का रूप है और इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? संज्ञा के साथ। स्त्रीलिंग में क्या आता है? स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका क्या? आ जाएगा आपका तस्ये, तस्ये ताभ्याम। सेम रहेगा, ताभ्याम ताभ्य, तस्ये ताभ्याम ताभ्य। तस्ये मतलब भी होता उसके लिए, ताभ्य मतलब भी होगा उन दोनों के लिए, और यहाँ अभ्याम ताभ्याम मतलब, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो उन लोगों के लिए। यहाँ हम ताभ्याम लिख देते हैं क्योंकि ऊपर में अभ्याम है, इसलिए ताभ्याम। ताभ्याम मतलब क्या हो जाएगा? तो उन दोनों के लिए। स्त्रीलिंग का आकारांत रूप जो आता है वो आता है आये, आये। अभ्याम, अभ्याम अभ्य। आये अभ्याम अभ्य, अभ्य। और इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो हम संज्ञा के साथ। किसके साथ? तो यहां हम केवल तद्रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ले रहे हैं, नपुंसक लिंग भी इसी में आ जाएगा। जब हम अस्मद रूप और युष्मद रूप बताएंगे आपको, तो वहां अस्मद से जुड़ा हुआ अनुवाद बता देंगे और युष्मद से जुड़ा हुआ अनुवाद बता देंगे। तो अभी तक ज्यादा फोकस करना है तद्रूप पे कि चतुर्थी विभक्ति में कैसे इसका प्रयोग होगा। तो चतुर्थी विभक्ति का अनुवाद जैसे हो जाएगा, राम फल के लिए, फल के लिए जंगल जाता है, जंगल जाता है। फल के लिए कहाँ जाता है? राम जंगल जाता है। तो राम का हो जाएगा राम,
क्या हो जाएगा? राम। अच्छा फल क्या? संज्ञा है। के लिए अगर क्रिया के साथ लगा रहता तो समझ लो कि तुमुन प्रत्यय लगेगा उसमें, लेकिन अगर के लिए किसी संज्ञा के साथ लगा रहे तो समझ लो ना कि वो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान के, क्योंकि के लिए किसके साथ लगता है? तो संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह ही होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। तो राम फल के लिए। अच्छा फल क्या है? नपुंसक लिंग है। और हम आपको बताए हैं कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति के बाद जो पुल्लिंग का रूप होता है वही किसका होता है? नपुंसक लिंग का। यानी फल एक यहाँ एक वचन में फल दिया हुआ, ठीक ना? तो अगर यहाँ राम फलों के लिए जंगल जाता था जाता है तो फलों का हो जाता क्या? फलेभ्य। क्या हो जाता? फले। यानी बहुवचन में चला जाता, ये संज्ञा में बैठता है जो अकारांत रूप, ये बहुवचन का होता। लेकिन यहाँ सिंपल है कि राम फल के लिए जाता है तो इसका हो जाएगा फलाय। क्या हो जाएगा? फलाय, क्योंकि लगेगा आय, फल में क्या लगेगा? आय, हो जाएगा फलाय। जंगल का होता वनम, जंगल का वनम, जाना का गच्छ, नाम है तो ती लगेगा क्योंकि लट लकार का है। तो राम फलाय वनम गच्छति, यानी राम फल के लिए जंगल जाता है। मैं उसके लिए उसके उसके लिए पुस्तक खरीदता, मैं उसके लिए पुस्तक खरीदता हूं। मैं का हो जाएगा अहम, उसके लिए है। उसके लिए का संस्कृत क्या हो जाएगा? तस्मे, या नहीं तो तस्ये भी हो जाएगा, क्योंकि ना तो पता चल रहा है ये पुल्लिंग के लिए हम कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग के लिए। मतलब सामने वाला जो करता है जिसके लिए हम खरीद रहे हैं ना, उस वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पुस्तक खरीद रहे हैं तो उसके लिए का हो जाएगा या तो तस्मे या तो तस्य। तो हम यहाँ दे देंगे तस्मे। क्या दे देंगे? तस्मे। तो अहम तस्मे। पुस्तक का हो जाएगा क्या? पुस्तकम। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। खरीदता हूँ, खरीदना का होता है किरीन। खरीदना का क्या होता है? किरीन। तो मैं के साथ अहम लगता है तो किरीनामी हो जाएगा। क्या जाएगा? किरीनामी, यानी अहम तस्मे पुस्तकम किरीनामी, क्योंकि यहाँ तस्य भी हो जाएगा क्योंकि पता नहीं है कि क्या कर मोसा है कि मोसी है। अगर ये पता रहता तब यहाँ मोसा मोसी में से सामने वाला कौन है ये पते नहीं। तो यहाँ हो जाएगा मैं उसके लिए पुस्तक खरीदता हूँ, इसके लिए हो जाएगा अहम तस्मे पुस्तकम किरीनामी। ये कौन सा कारक का हो जाएगा? तो संप्रदान कारक। जैसे कि एक अनुवाद होता, समझ में आ गया यहाँ तक? ये दोनों अनुवाद को मिटा दे। राम फल के लिए जंगल जाता, फलाय क्यों हो गया? क्योंकि के लिए लगा और फल संज्ञा है। क्रिया का अगर रहता तो के लिए, जैसे मैं पढ़ने के लिए, तो वहां के लिए है तो तुमुन पड़ती है, लेकिन यहाँ क्या है? संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अगला देखो, जैसे कि संप्रदान कारक का अगर डिफिनेशन पढ़ाए थे तो वहां संप्रदान कारक मतलब जिसके लिए कोई चीज या कोई क्रिया की जाए, यानी दान देने का जब बात आता है तो संप्रदान कारक। तो जैसे हम कहेंगे गरीबों को धन दो, गरीबों को धन दो, गरीबों को क्या दो? धन दो। गरीब का होता निर्धन, बहुत सारा है। जिस धन किसको दे रहा है? गरीब, यानी जिसको दिया जाता है ना वही संप्रदान कारक होता है। तो दे किसको रहा है? गरीब। गरीब क्या हो जाएगा? संप्रदान। और गरीब संज्ञा है, क्रिया की संज्ञा है, संज्ञा। तो गरीब के साथ क्या लग जाएगा? तो अकारांत रूप लग जाएगा। तो गरीब एक रहता तो आय, गरीब का होता निर्धन, गरीब का संस्कृत निर्धन, तो यहाँ हो जाता निर्धनाय। दो रहता तो निर्धनाभ्याम, ये बहुत सारा है तो निर्धनेभ्य। क्या हो जाएगा? निर्धनेभ्य। सही है, निर्धनेभ्य, यानी गरीबों को, गरीबों का क्या हो जाएगा? निर्धनेभ्य। धन का हो जाएगा धनम, धन का। अब ये देखो कि ये कौन लकार का है, लकार कौन है? यहाँ हम गरीबों को धन दो, किसी को देने के लिए कह रहे हैं, यानी हम उसको क्या दे रहे हैं? आदेश। जब आदेश देने का बात आता तो कौन लकार? लोट लकार। कौन लकार? या तो आदेश देना या विनती करना, कौन लकार होता है? लोट लकार। तो यहाँ देखो, यहाँ एक चीज साइलेंट है, साइलेंट क्या है? तो तुम गरीबों को धन दो, तुम गरीबों को धन दो। तो यहाँ निर्धने भी धनम, तुम के साथ लगता है क्या? देही। तो हो जाएगा निर्धनम, निर्धने भी धनम देही, तुम गरीबों को धन दो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
तो यहाँ हो जाएगा आपका संस्कृत क्या हो जाएगा, गरीबों को धन दो का निर्धनेभ्य धनम देही। अगर पूछेगा गरीबों को धन दो का संस्कृत क्या होगा तो निर्धनेभ्य धनम देही। कैसे हुआ, क्योंकि गरीबों का है बहुवचन में चला गया, इस वजह से धन का धनम हो जाएगा। देही क्यों हुआ, क्योंकि लोट लकार है, आदेश हम दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो लोट लकार, ठीक ना, किसी को आदेश, सामने वाले को आदेश देते होंगे, अगर आदेश दे रहे हैं इसका मतलब छोटा होगा, तो हम बोल दिए तुम गरीबों को धन दो, तो तुम साइलेंट हट गया, सीधा यहाँ लिखा गया ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो बनेगा इसे बनेगा निर्धनेभ्यः धनं देहि, क्योंकि यहाँ साइलेंट है, तुम मान लो कि साइलेंट है, तुम लिखा जाना था लेकिन साइलेंट है, लेकिन तुम लोग साइलेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। तो निर्धनेभ्यः धनं देहि ये करेक्ट आंसर है, क्या तो गरीबों को धन दो का। तो अगला जैसे हो जाएगा, कोई चीज है या कि जिसके लिए कोई चीज हो या कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान, ये भी हम बताए थे। जैसे मान लो दीपक प्रकाश के लिए होता है, दीपक प्रकाश के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है, तो दीपक का हो जाएगा दीपक, दीपक का क्या हो जाएगा दीपक, प्रकाश का हो जाएगा प्रकाशाय, क्योंकि आय क्या लगेगा, आय हो जाएगा प्रकाशाय, ठीक है। और होता है, होता है तो हो जाएगा भवति, क्या हो जाएगा भवति, यानी दीपक प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। जैसे अगला, वृक्ष परोपकार के लिए होता है, इसका बनाओ तुम लोग, वृक्ष परोपकार के, परोपकार के लिए होता है, बनाइए जल्दी, वृक्ष परोपकार का, वही परोपकाराय, परोपकाराय, परोपकारा, क्योंकि आय लगाएंगे, परोपकार का परोपकार होगा, आय का क्या हो जाएगा, जब आय लगेगा, लगेगा ना, अकारांत एक वचन में लगेगा, तो परोपकाराय भवति, वृक्ष परोपकाराय भवति। अगला, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, पुस्तक ज्ञान के लिए होता, दिखाई देता है अंडे, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, ज्ञान का ज्ञानाय, क्या हो जाएगा ज्ञानाय भवति, क्या हो जाएगा भवति, तो पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, समझ में आ गया, ऐसे बन जाएगा ना। जैसे और देते हैं, हम जो भी बताते जा रहे हैं अनुवाद को उसको क्या करते चलो, उतारते चलो। हम लोग उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, मिठाई लाते हैं, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, तो मिठाई का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा वयम, क्या वयम, उन दोनों का क्या हो जाएगा ताभ्याम, मिठाई का हो जाएगा मिष्ठानम, मिठाई का क्या होगा हीरो मिष्ठानम, और लाते हैं यहां हो जाएगा आन याव, हम लोग है आन याव, आन याव, लाना का होता है न मतलब लाना, तो यहां आन याव, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, तो इसका हो जाएगा वयम ताभ्या मिष्ठानम आन याव, आन याव नहीं आन याम, सॉरी आन याम, क्योंकि वयम है, वयम के साथ क्या लगता है आम, और लाते हैं उसका काम खुद का था, लेकिन क्या कौन हम, कौन क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा क्या लगता है नीच प्रत्यय, इसीलिए हो गया आन याम, यानी हम उसके लिए क्या लाते हैं तो मिठाई लाते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, संप्रदान कारक समझ में आ गया, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए, अगर हम अस्मद या युष्मद रूप पढ़ाएंगे तो वहां आपको ये समझ में और
बेहतरीन ढंग से आएगा। अभी तो केवल हम तद्रूप पुल्लिंग और तद्रूप नपुंसक लिंग साथ ही स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे और कोई अनुवाद देखिए, सीता राम के लिए खाना बनाती है। सीता राम के लिए क्या करती है? खाना बनाती। तो सीता का हो जाएगा सीता ही। सीता का क्या होगा? सीता। राम के लिए तो यहाँ हो जाएगा रमाय, क्योंकि राम में आय जोड़ेंगे तो क्या होगा? रमाय। राम संज्ञा राम के लिए कर रहे हैं तो राम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा। खाना का हो जाएगा भोजनम। खाना का क्या होगा? पच मतलब होता है पकाना या बनाना, ठीक ना। तो पच सीता है, लट लकार का है तो पच में लगेगा ती, हो जाएगा क्या? पचेती। यानी सीता रमाय भोजनम पचेती, यानी सीता राम के लिए क्या करती है? क्या करती है? तो भोजन बनाती है। क्या किसी को दिक्कत है? आई होप कि आप लोग को भी ये समझ में आ गया संप्रदान कारक। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा कारक? अपादान कारक पे।